नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 5 दिसंबर 2019 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करता हूँ। तो मैंने इधर चार्ट एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस और प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करता हूँ। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसमें आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन और बाय सेल लेवल्स का रिकमेंडेशन, कुछ स्टॉक्स कमोडिटी और निफ्टी बैंक निफ्टी का बाय सेल लेवल्स मैंने एंड ऑफ द डे देता हूँ। तो वो भी लेवल्स आप लोग को जो काम करता है तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। और बहुत सारा वीडियोस मैंने बना के रखा है जो आप लोग को एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पस काम पे आएगा, आप लोग को लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसमें मैंने जो बाइसल सिग्नल कम स्किनर बना के रखा है उसमें ये भी इसका थ्रू में मैंने लेवल देता हूँ। तो उसमें इसका परफॉर्मेंस वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए फ्री ट्रायल के लिए, उसका लिंक आप लोग को दिया जाएगा ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। तो चलता है, देखना शुरू करता है। तो निफ्टी का चार्ट जो मैंने इधर निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है और इधर फिबोनाची लेवल मैंने ड्रॉ किया था, ये मैंने 25 तारीख से ही मैंने ड्रॉ किया करके रखा हूँ 5-7 दिन का 5-7 दिन के लिए। तो देखिए इधर कल जो 61.8% के नीचे क्लोज हुआ था, तो मैंने बोला था कि कल निफ्टी एज इट इज क्लोज्ड इन द क्लोज्ड बिलो द 61.8%, इट इज हाई प्रोबेबिलिटी टू गो डाउनवर्ड। तो ऐसा ही हुआ है। तो आज पहले फर्स्ट सेशन में ये बहुत ही नीचे आया था, इधर आप लोग देख सकता है ओपनिंग हुआ था 11,969 में, उसके बाद ये 11,935 तक आया था, उसके बाद ये फिर रिटेस्ट करके आप लोग देख सकते हैं अल्टीमेटली ये ग्रीन कैंडल बना है, ये रिटेस्ट करके 50% तक फिर से गया है। अभी तक 38.2% के ऊपर थोड़ा सा जाके ऊपर जाके फिर से नीचे आके क्लोज हुआ है। तो 38.2% का क्रॉस नहीं कर पाया, उसके बाद ये 67 जब क्रॉस करेगा तो ये 12,145 तक ये जा सकता है, उसके बाद 11,158 तक जा सकता है, उसके बाद ये और भी ऊपर मतलब 12,200 का ऊपर बिछाने का प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन 100 से 150 का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं, मैंने 15 मिनट चार्ट में दिखाऊंगा आज कैसे ये बिहेव किया है। देखिए फर्स्ट 4 मिनट में ये ऊपर गया है, फिर से ये रिटेस्ट होके ऊपर गया है, उसके बाद ये फिर से डाउन आके रिटेस्ट किया है। तो क्यों किया है वो भी आप लोग को कल का वीडियो में बताया था कि ये जीरो कल जो पीसीआर रेशियो था ऑप्शन चेन में पुट कॉल रेशियो वो 0.75 के आसपास था, तो उसके बाद वो 50 तक आया था इधर मतलब कंसोलिडेट करने के लिए, उसके बाद फिर वो जब 50% के जब 0.50 के आसपास आ गया था तो उस उधर से ये रिटेस्ट होके कॉन्ट्रैक्टेड देके फिर से अप हो गया, तो अभी अप जाने का प्रायोरिटी बढ़ गया है। तो बैंक निफ्टी का देखते हैं, बैंक निफ्टी का बैंक का चार्ट भी देख लेते हैं। निफ्टी बैंक में सारे मैंने इसको ऑन करता हूँ, उधर भी सेम पैटर्न बना के चल रहा है। इधर देखिए कल 0% के नीचे आ गया था, 38.2% का रिटेस्ट हो गया, फिर ये 38.2% के ऊपर आसपास चला गया, उधर जाके क्लोज हुआ है, उसके बाद ये 32,157 क्रॉस करेगा तो ये 32,300 उसके बाद 32,500 तक जा सकता है। तो उसका 5,500 का लेवल क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आसपास जा सकता है और नीचे भी रिटेस्ट हो सकता है इसका, जो 38% 30,978 में आ सकता है, उसके बाद 30,536 तक आ सकता है,
उसके बाद 3737 तक आ सकता है, 39,500 भी आ सकता है, तो इतना नीचे आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। तो इधर लगता है 61% ज़्यादा से ज़्यादा 61.8% मतलब 30,500-30,600 तक आ सकता है नीचे, और ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इधर हम लोग ऑप्शन चेन देखेंगे, तो ये जो सब लेवल है और ये जो मूविंग एवरेज के साथ ये कैलकुलेशन मिला के मैंने बाय सेल लेवल बना था, वो बाय सेल लेवल का जो रहता है वो आप लोग देख लीजिएगा। और इधर जो मैंने ये बाय सेल लेवल कम स्किनर मैंने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन हो सकता है फ्री ट्रायल देखने के लिए। मैंने पूरा एंड फाइल इसमें इसमें 150 स्टॉक्स कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल रहता है, फीचर्स का लेवल रहता है और स्क्रीनिंग का भी इसका बहुत सारा पैरामीटर लगा हुआ है। आप लोग पहले वाला वीडियो मेरा देख लीजिए, इसका हाउ टू स्क्रीन हाउ वीडियोस और मेरा बाय सेल लेवल्स देख लीजिए, बाय सेल लेवल्स का जो मैंने प्रोवाइड करता हूँ देख लीजिए क्या क्या रहता है, क्या कैसे कैसे ये इसको स्क्रीनिंग का जा सकता है, तो वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं इधर निफ्टी का ऑप्शन चेन मैंने देखता हूँ, निफ्टी का ऑप्शन चेन देखूंगा तो देखिए इसमें निफ्टी का ऑप्शन चेन में ये देखिए ये वन हो गया है, पीसीआर रेशियो इसका वन हो गया है, 0.75 हो गया था, उसके बाद फिर ये 0.050 के आसपास आके ये फिर से रिट्रेस हुआ है। तो इधर देखिए इधर 12,100 में इसका रेजिस्टेंस है, कॉल साइड में इसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, और इधर लॉन्ग अनविंडिंग हो रहा है, इधर जो 12,100 है इधर कॉल लॉन्ग अनविंडिंग हो रहा है, और इधर जो 11,900 का भी इसमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और इधर इधर ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इधर देखिए इधर ये जो ऊपर वाला लेवल आप ये जो नीचे वाला कॉल साइड का जो इंदामानी मतलब नीचे वाला जो लेवल है कॉल साइड में ये आप लोग देख सकते हैं इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, और जो पुट साइड में आप लोग जो ऊपर वाला लेवल है मतलब पुट साइड के जो जो ऊपर वाला लेवल है इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये नीचे जाने का जब नीचे जाने के लिए ये मतलब बाधा देगा, मतलब ये नीचे जाने के लिए रुकेगा और ऊपर जाने के लिए ये मतलब जब तक ऊपर जाने का सुविधा हो जाए, क्योंकि इसके इधर ऊपर जाने का लेवल का पुट साइड में इधर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो ये इसीलिए इसका मेरा लगता है कि इधर ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और इधर IBBB थोड़ा सा पहले से बढ़ गया है, और बैंक निफ्टी का मैंने देखता हूँ सॉरी बैंक निफ्टी का मैंने देखता हूँ कि इधर 1. पीसीआर से 1.27 है, और इधर 32,500 में इधर इधर रेजिस्टेंस है कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, और इधर वुड लॉन्ग बिल्डअप है ऑप्शन चेन में कॉल साइड में इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, और इधर पुट साइड में इधर 31,500 में मैंने 31,500 में इधर इसका रेजिस्ट सपोर्ट है, लेकिन मैंने एज टुमारो इज़ द एक्सपायरी डे आई एम टेकिंग द 31,700 एज द सपोर्ट लेवल। तो इधर देखिए इधर मैंने 31,700 मैंने सपोर्ट लेवल पकड़ा हूँ, तो इधर देखता है वो भी एक ही सीनरियो देखिए, इधर अप साइड में इधर मतलब डाउन साइड में इधर कॉल साइड में इधर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, और इधर अप साइड में इसका पुट का शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ये ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इधर प्रोबेबिलिटी मैंने कैलकुलेट किया हूँ, वो भी आप लोग देख सकते हैं एक दिन एक्सपायरी का है और करेंट स्टॉक प्राइस इंप्लाइड वोलेटिलिटी और डेज ऑफ एक्सपायरी मैंने कैलकुलेट करके इधर फॉर्मूला लगा के मैंने कैलकुलेट किया हूँ, तो 11,900 में इसका और 12,100 में जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है निफ्टी का, ये निफ्टी भी अप ट्रेंड में दिखा प्रोबेबिलिटी जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और बैंक निफ्टी का भी इधर अप ट्रेंड में जाने का